हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में 12th क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि पिछले वर्षों के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग इन प्रश्न को बहुत ध्यान से देखें, और यदि आप लोगों को वीडियो में कहीं समझ में नहीं आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग यदि किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो इसके बारे में भी अपनी राय दें, या जो भी विचार हो दें। धन्यवाद। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है, ए इक्वल्स टू जो है 001, ये जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है। तो हम लोग को जो है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिद्ध करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये होता है 100010001, इतना बराबर जो है इतना ए स्क्वायर बराबर आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको इतना सिद्ध करना है। हमको ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो हम लोग जो है पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर जो निकालेंगे ए गुना ए होगा, ए का मान जो दिया हुआ है 001, उसी प्रकार 010, फिर 100, इसी प्रकार से सेम टू सेम यही ए लिख लेना है। इसमें मल्टीप्लाई है 001 010 100, इसे लिखने के बाद अब हम लोग जो है देखिए कैसे गुना करते हैं। ये जो रो है इसको कॉलम के साथ करते हैं, जैसे ये कॉलम है, ये रो के साथ होगा गुना, फिर एक बार इसके साथ होगा, एक बार फिर इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, एक रो एक कॉलम के साथ, फिर एक रो एक कॉलम के साथ, फिर एक रो एक कॉलम के साथ, इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। तो हम लोग गुना करेंगे, ये रो जो है इस कॉलम के साथ करेगा तो 0 गुना 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 इसके साथ करेगा तो 0 प्लस, ये 1 गुना 1 करेगा तो 1 हो गया। अब इसी को करेंगे इस रो के साथ, ये 0 गुना 0 हो जाएगा 0 प्लस, ये 0 गुना 1 हो जाएगा 0 प्लस, ये 1 गुना 0 हो जाएगा 0। अब यही रो जो है करेगा इस कॉलम के साथ, तो ये 0 गुना 1 हो गया 0 प्लस, ये 0 गुना 0 हो गया 0 प्लस, ये 1 गुना 0 हो गया प्लस 0। यहां तक करने के बाद अब हम जो है आ जाएंगे सेकेंड रो को करेंगे फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो करेंगे फर्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, ये 0 गुना 0 हो जाएगा 0 प्लस, 1 गुना 0 हो जाएगा 0 प्लस, 0 गुना 1 हो जाएगा 0। उसी प्रकार से ये चलेंगे हम सेकेंड में, ये देखिए 0 गुना 0 हो जाएगा 0 प्लस, 1 गुना 1 हो जाएगा 1 प्लस, 0 गुना 0 हो जाएगा 0। उसी प्रकार से आ जाएंगे हम अब लास्ट कॉलम में, ये रो कॉलम, तो 0 गुना 1 हो गया 0 प्लस, 1 गुना 0 हो गया 0 प्लस, 0 गुना 0 हो गया 0। सेम उसी प्रकार से अब अंतिम कॉलम को, अंतिम रो को जो है कॉलम के साथ, कॉलम रो रो के साथ करना है, तो जाएगा 1 गुना 0 0 0 गुना 0 0 प्लस 0 गुना 1 0। उसी प्रकार से 1 गुना 0 0 0 गुना 1 0 प्लस 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 गुना 1 हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम लोगों का देखिए 100 तो यहाँ पर 1 हो गया, ये तीनों 0 है, 0 0 0 होता है 0 0 0, फिर तीनों 0 0 0, यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0 0 1। देखिए हमको जो सिद्ध करना था ए स्क्वायर इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो सिद्ध हो गया। ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये जो हुआ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। अब
अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से जो है आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इनको तैयारी जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, सूर्य नेक्स्ट प्रश्न आपका है ए बराबर 2 3 1 2 ये दिया हुआ है, तो प्रूव कीजिए कि ए क्यूब माइनस 4a² + a बराबर 0। ये जो है हमको सिद्ध करना है। जब दिया हुआ है ए बराबर इतना, ए बराबर 2 3 1 2, तो प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 4a² + a बराबर 0। देखिए यहाँ पे ए क्यूब है और a 4a² है, तो हमको क्या करना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा, ए क्यूब निकालना होगा। तो ए स्क्वायर हम पहले निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए गुना ए, तो ए का मान कितना है 2 3 1 2, उसी प्रकार से गुना में 2 3 1 2। ये जो है 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो इनका रो इसके कॉलम के साथ गुना होगा, तो 2 दुनी 4 जोड़ 3 गुना 1 3, उसी प्रकार से ये इसके साथ करेगा 2 गुना 3 जोड़ 3 गुना 2। अब आएंगे कि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना 2 जोड़ 2 गुना 1, उसी प्रकार से 1 गुना 3 जोड़ 2 गुना 2, ये हो गया, ये हो गया 4 3 7, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6 6 12, 2 एकम 2 2 एकम 2 4, 3 एकम 3 2 2 4, 4 3 7, ये मेरा आ गया ए स्क्वायर का मान। अब हम लोग ज्ञात करेंगे ए क्यूब, अब हम लोग जो है ए क्यूब ज्ञात करेंगे, तो ए क्यूब ज्ञात करने के लिए ए स्क्वायर गुना ए करना होगा, तो ए स्क्वायर का मान है 7 12 4 7, और इसको जब हम ए के साथ गुना कर देंगे, ए का मान कितना है, ए का मान है 2 3 1 2 2 3 1 2। अब इसको हम गुना कर देंगे तो मेरा जो है निकल जाएगा। तो गुना कैसे करेंगे, देखिए वही प्रक्रिया गुना करने का है, मैट्रिक्स को गुना करने का वही प्रक्रिया है कि रो को जो है कॉलम के साथ गुना कीजिए। ये रो है, ये इस तरह से जो होती है लाइन रो होती है, इस तरह से होती है जो कॉलम होती है, ये 7 गुना 2 हो जाएगा 14 जोड़ 12 गुना 1 हो गया 12। उसी प्रकार से अब हो जाएगा, इसी को करेंगे सेकेंड से, सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो है 7 गुना 3 हो जाएगा 21, 12 गुना 2 हो जाएगा 24। उसी प्रकार से जो है करेंगे अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 गुना 2 हो जाएगा 8 जोड़ 7 गुना 1 हो गया 7। फिर ये करेंगे इसके साथ सेकेंड कॉलम के साथ सेकेंड रो को, तो 4 गुना 4 गुना 3 जोड़ 7 गुना 2 14 कर दिए। उसके बाद जो है हम आगे यहाँ पे लिख देंगे 14 12 हो गया 26, 21 4 हो गया 25, 8 7 हो गया 15, 4 3 12 14 26। ये हमको जो है ए क्यूब का मान ज्ञात हो गया। ए क्यूब का मान जब हम ज्ञात कर लिए, तो अब जो है हम लोग आगे निकालते हैं। करा है ए क्यूब माइनस 4a² + a = 0, ए क्यूब निकल गया है 4a² जो ए स्क्वायर है यहाँ पे 7 12 4 7, इसमें 4 से गुना कर देंगे, देखिए पूरे को 4 से, तो ये मेरा निकल जाएगा, तो 4 गुना 7 सभी पद में गुना कर लेगा, 4 7 28 + 48, 4 4 16, 4 7 28, ये जो है 4a² का मान निकल गया, 4a² का मान। तो अब 4a² तो हम सबको मान यहाँ रखेंगे, एक क्यूब का मान जो है कितना है, एक क्यूब का मान यहाँ है, एक क्यूब यहाँ निकला है,
ये रहा ए क्यूब का मान, 26 25 15 26। उसके बाद -4a² फोर ए स्क्वायर ए स्क्वायर का मान इतना है तो माइनस में माइनस दे दिए, 28 48 16 28। ये जो है ए फोर ए स्क्वायर का मान हो गया और प्लस में ए है तो ए का मान है 2 3 1 2। अब देखिए यहाँ जो है ये जो है माइनस में 28 48 16 28, यहाँ देखिए ये दो जुड़ेगा इसके साथ, 26 2 28 25 3 48 25 3 28 हो जाता है, और यहाँ 21 और 24 45 होगा, सॉरी फ्रेंड्स ये हो गया 45 45 3 48 और 15 1 16। देखिए ये प्लस में है ये भी प्लस में लेकिन ये माइनस में है, तो ये प्लस वाला दोनों जुड़ेगा, ये दोनों प्लस वाला जुड़ेगा उसके बाद इसमें से घटेगा, तो 15 26 2 28 45 3 48 15 1 16 26 2 28। इसका मतलब ये दोनों जो है तीनों आपस में कट रहा है तीनों जोड़ने के बाद, तो मेरा जो है यहाँ पे आ गया 0, तो मेरा जो है प्रूव्ड हो गया। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका कोई विचार हो राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।